Assalamualaikum students, hope you are very well. Let's start our today's lesson. Today we're gonna study unit 6, lesson 4. Study corner mein kya hai? It's telling about past continuous for activities in progress. Past continuous tense ke baare mein bataya ja raha hai ki wo kis liye hota hai? For activities in progress. वो एक्टिविटीज़, वो काम जो अभी चल रहे हैं, जो भी ख़त्म नहीं हुए हैं, उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, वाइल ही वाज ईटिंग हिज सैंडविच, वाइल जब वो अभी अपना सैंडविच खा रहा था, अ बर्ड टुक इट, जो एक बर्ड आया उसका सैंडविच ले गया. तो ये है पास्ट में, पास्ट में पास्ट की बात बता रहे हैं, और पास्ट में वो एक पुरानी बात में, वो पुराने वक्त की बात बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त में वो बात बता रहे हैं जो अभी हो रही थी, वो काम जो अभी हो रहा था, जो अभी चल रहा था. पुराने वक्त की बात बताई जा रही है, लेकिन उस वक्त वो काम अभी जो काम वो जो बात बता रहे हैं वो भी चल रही थी, अभी हो रही थी, अभी वो पूरी नहीं हुई थी. है पास्ट ही पास्ट, लेकिन वो बात जो अभी उस ज़माने में चल रही थी, उस वक्त में अभी वो काम हो रहा था, तो इसलिए उसके साथ कॉन्टीन्यूस लग गया है, वो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया. जब हम पास्ट की बात बताते थे, उसके साथ उसके पहले हम वो काम बताते जो उस वो बात जो उससे पहले हो चुकी थी, तो हमने क्या उसका वो क्या वो कौन सा टेंस था? वो पास्ट परफेक्ट था. वो पुरानी बात, वो उस वक्त की बात जो हम बता रहे हैं, उससे पहले जो बात हो चुकी है, ख़त्म हो गया वो काम, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते थे. हमने उसको वो याद किया था, वो पास्ट परफेक्ट था. पास्ट में हम पास्ट की बात बता रहे थे, जो वो काम जो हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट था. अब ये पास्ट में हम वो काम बता रहे हैं, वो बात बता रहे हैं जो अभी हो रही है, जो अभी चल रही थी, जो भी ख़त्म नहीं हुई थी, उस वक्त जिस वक्त की हम बात बता रहे हैं उस वक्त वो भी हो रही थी, तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया. लेकिन सिंपल पास्ट जो है वो दोनों में आएगा. पास्ट परफेक्ट में भी हम यूज़ करते थे एक सेंटेंस में सिंपल पास्ट, क्योंकि हम पुराने वक्त की बात बता रहे थे, तो हम पहले पास्ट यूज़ करते थे. पुराने वक्त की बात में हम बताते थे कि इस वक्त से पहले जो काम ये हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बता देते थे. और इस बार जो हम पास्ट की पुरानी बात बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि उस वक्त वो काम जो हो रहा था उसके बारे में, तो हम फिर सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कॉन्टीन्यूस यूज करेंगे. अब एक्सरसाइज 1 पे आए, मेक सेंटेंसेस फॉर दिस पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के. लिसन म्यूजिक, एलियन, टेक MP3 प्लेयर. इसका कॉन्टीन्यूस सेंटेंस बनाना है हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस का, तो हम कैसे बनाएंगे? आई वॉज लिसनिंग टू सम म्यूजिक व्हेन एन एलियन टुक माई वॉकमैन. वो उसका वॉकमैन है, वो म्यूजिक सुन रहा था, तो वो बता रहा है पुरानी पास्ट की, गुजरे हुए वक्त की वो बात बता रहा है कि क्या हुआ था. आई वॉज लिसनिंग टू सम म्यूजिक, मैं कुछ म्यूजिक सुन रहा था, जब क्या हुआ, व्हेन एन एलियन टुक माई वॉकमैन. टुक से हमें पता लग गया ये सेकेंड फॉर्म है, कि ये पास्ट की बात है. वेन आई वॉज लिसनिंग से हमें पता लग गया कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है. वॉज से हमें पता लगा पास्ट है, और लिसनिंग वर्ब के साथ ING लग गया, तो हमें पता लग गया ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है. तो हम पुरानी बात बता रहे हैं, और उस वक्त हम जो काम हो रहा था वो बता रहे हैं कि जब मैं म्यूजिक सुन रहा था अभी वो, तो क्या हुआ था? एलियन टुक माई वॉकमैन, एक एलियन ने उसका वॉकमैन ले लिया था. पुरानी बात है कि एलियन ने उसका वॉकमैन ले लिया था. कब लिया था? तब वो क्या कर रहा था? वो म्यूजिक सुन रहा था. सेकंड, वॉश कार स्पेसशिप फ्लाई ओवर हाउस. व्हाइल ही वाज वॉशिंग हिज कार, अ स्पेसशिप फ्लू ओवर हिज हाउस. व्हाइल ही वाज वॉशिंग हिज कार, अ स्पेसशिप फ्लू ओवर हिज हाउस. जब वो अपनी कार वॉश कर रहा था, तो एक स्पेसशिप आया, उड़ के आया उसके घर के ऊपर, उड़ा, उसको नजर आया. फ्लू ओवर, ये पुराने वक्त की बात है. अ स्पेसशिप फ्लू ओवर हिज हाउस, पास्ट सिंपल पास्ट हो गया. फ्लू
सेकेंड फॉर्म है, फ्लोन होती है थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये सिंपल पास्ट टेंस है फ्लू फ्लाई का। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट की बताया जा रहा है, स्पेसशिप फ्लू ओवर हिज हाउस, कि मेरे घर के ऊपर से एक स्पेसशिप जो है वो आया, गुजरा था, उड़ा था। कब क्या, तब क्या हो रहा था? वाइल ही वॉज वॉशिंग हिज कार, जब वो अपने कार को वॉश कर रहा था, अभी वॉश की नहीं थी उसने, वो पुरानी बात है, वॉज आया हुआ यहाँ पे, वो भी अपनी कार को वॉश कर रहा था, वॉज वॉशिंग हिज कार। थ्री, वेट ट्रेन सी फ्लैशिंग लाइट्स, आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन वेन आई सॉ सम फ्लैशिंग लाइट्स, मैं ट्रेन के लिए ट्रेन का वेट कर रहा था, वेन जब क्या हुआ, आई सॉ सम फ्लैशिंग लाइट्स, जब मैंने कुछ फ्लैशिंग लाइट्स देखी। नंबर फोर, सिट इन पार्क एलियन टेक फोटो, वेन ही वॉज सिटिंग इन द पार्क एन एलियन टुक हिज फोटो, जब एक एलियन ने उसकी फोटो ली थी तब क्या हो रहा था, तब वो पार्क में बैठा हुआ था, वाइल ही वॉज सिटिंग इन द पार्क, तब वो पार्क में बैठा हुआ था, एन एलियन टुक हिज फोटो, उस वक्त एक एलियन ने उसकी फोटो ली थी, पुरानी बात है। हैंग क्लोथ्स ऑन लाइन हियर नॉइज, वन शी वॉज हैंगिंग सम क्लोथ्स ऑन द लाइन, जब वो कुछ क्लोथ्स हैंग कर रही थी लाइन पर, ठीक है, वेन लाइन, वेन शी हर्ड अ नॉइज, इट्स वेन शी वॉज हैंगिंग सम क्लोथ्स ऑन द लाइन, वेन शी हर्ड अ नॉइज, जब उसको आवाज़ आई थी, जब उसने आवाज़ सुनी, तब वो क्या कर रही थी, शी वॉज हैंगिंग सम क्लोथ्स ऑन द लाइन, उस वक्त वो हैंग कर रही थी क्लोथ्स लाइन के ऊपर। नंबर सिक्स, प्ले फुटबॉल स्पेसशिप लैंड ऑन फुटबॉल ग्राउंड, वाइल्ड वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, अ स्पेसशिप लैंडेड ऑन द फुटबॉल ग्राउंड, एक स्पेसशिप जो है वो लैंड किया था फुटबॉल ग्राउंड पर, जब स्पेसशिप लैंड किया था फुटबॉल ग्राउंड पर, तब वो क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तब वो फुटबॉल खेल रहे थे, बात पुरानी है लेकिन उस वक्त वो काम भी किया जा रहा था, अभी वो हो रहा था, इसलिए हम पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, अगर अभी वो काम हो रहा था, हम बात पुरानी बता रहे हैं लेकिन उस वक्त में अभी वो काम हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, तो हम पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, अगर वो काम अभी, अगर वो काम, अगर हम पुरानी बात बता रहे हैं और पास्ट में वो काम हो, उससे पहले काम हो चुका था, तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म वाला। नाउ एक्सरसाइज टू, कंप्लीट दिस डायरी अबाउट अ विजिट टू अनदर प्लैनेट, पुट द वर्ब्स इन टू द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे हमने या तो सिंपल पास्ट में करने हैं और या फिर उनको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, क्योंकि पास्ट भी आता है ज़रूर सिंपल पास्ट के साथ, पूरे सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता और पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट साथ ज़रूर में ज़रूर आएगा उसके। अब आई वॉज स्लीपिंग, आई स्लीप अंडर अ ट्री, स्लीप हो जाएगा, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री वेन इट स्टार्टेड टू रेन, स्टार्ट हो जाएगा ई डी, उसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, उसका पास्ट लग जाएगा, यानी ये सिंपल पास्ट हो गया, जब मैं सो रहा था, नहीं, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री वेन इट स्टार्टेड रेन, जब रेन स्टार्ट हुई थी तब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, मैं ट्री के नीचे सो रहा था उस वक्त जब रेन स्टार्ट हुई थी, सिंपल पास्ट, जब रेन स्टार्ट हुई थी सिंपल पास्ट, और उस वक्त हो क्या रहा था, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, सो आई रन इन टू द टाउन, सो आई रन हो जाएगा सिंपल पास्ट, सो आई रैन इन टू द टाउन, मैं टाउन में भाग गया, वाइल आई रन डाउन द स्ट्रीट, वाइल आई वॉज रनिंग डाउन, जब मैं स्ट्रीट में भाग रहा था, वाइल आई वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट एन एलियन टेक माई फोटो, टेक सिंपल क्या हो जाएगी, एलियन ने तब जब मैं भाग रहा था तब एलियन ने क्या किया था, एलियन टुक माई फोटो, एज द एलियन टेक माई फोटो, एज द एलियन वॉज टेकिंग माई फोटो, जैसे कि जब एलियन मेरी फोटो ले रहा था, अ मॉन्स्टर विथ सिक्स लेग्स कम टूवर्ड्स मी, कम की सिंपल पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, केम टूवर्ड्स मी, जब एलियन मेरी फोटो ले रहा था, अ मॉन्स्टर विथ सिक्स लेग्स केम टूवर्ड्स मी, सिक्स लेग्स वाला मॉन्स्टर आया उसके पास, आई रन इन टू अ पार्क एंड जम्प इन टू द लेक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मैं फिर मैंने क्या किया, जब मॉन्स्टर आया, आई रैन इन टू अ पार्क, मैं पार्क में भागा एंड
जम्प्ड इनटू द लेक, यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा दोनों में, और मैंने जंप लगा दी, जंप कर दिया लेक में। द मॉन्स्टर कैन नॉट स्विम, कैन नॉट की जो पास्ट फॉर्म है वो कैसे क्या बन जाएगी, कैन की कुड हो जाएगी पास्ट फॉर्म। पास्ट में हमने कैन को कैसे लिखना होता है, कुड में लिखते हैं। द मॉन्स्टर कुड नॉट स्विम, वो स्विम नहीं कर सकता था। वाइल आई स्विम इन द लेक, वाइल आई वॉज स्विमिंग इन द लेक, जब मैं स्विमिंग कर रहा था लेक में, अ फिश बाइट माई फुट, बाइट की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म बिट, अ फिश बिट माई फुट, फिश ने उसको बिट बाइट कर दिया। नाउ एक्सरसाइज 3, फिनिश द डायरी इन योर ओन वर्ड्स। अब ये डायरी जो है ये आपने खुद लिखनी है। वाइल वी वर कमिंग बैक टू अर्थ वी पास्ड द मून, ये उसके बारे में है कि जब वो लोग कहीं और प्लेनेट पे गए हुए थे और वो अर्थ वापस आ रहे थे, तो वो मून से गुजरे रास्ते में, तो फिर वहाँ पे क्या किया, नंबर पिक्चर नंबर 1 में क्या हो रहा है कि उनका जो रॉकेट है, जो उनकी शटल है, वो मून के ऊपर लैंड किया, यहाँ पे आई है अभी, ये एरो दिखा रहा है कि वो अभी यहाँ पे आई है। तो हम डायरी बनानी है, हम इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं, वाइल वी वर कमिंग बैक टू अर्थ, जब हम वापस आ रहे थे अर्थ पे वापस आ रहे थे, वी लैंडेड ऑन द मून, हमने मून पर लैंड किया। नंबर 2, पिक्चर नंबर 2 में क्या हो रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं मून के ऊपर। वी क्लाइम्ड सम माउंटेन्स, हमने कुछ माउंटेन्स क्लाइम की, एंड टुक लॉट्स ऑफ फोटोज, और हमने बहुत सारी फोटोज ली वहाँ पे। पिक्चर 3 में क्या हो रहा है, रॉकेट जो है वो वापस जा रहा है। देन वी टुक ऑफ अगेन, और फिर हमने दोबारा से टेक ऑफ कर लिया हमारे हमारे रॉकेट ने। 4 में क्या हुआ, वो रॉकेट के अंदर है, शटल के अंदर है, और वो कुछ लिख रहे हैं और ये पीछे कुछ सो रहे हैं। वाइल्ड वी वर फ्लाइंग बैक टू अर्थ, जब हम फ्लाई बैक कर रहे थे अर्थ की तरफ, वी रोट आवर डायरीज एंड स्लेप्ट, हमने अपनी क्या हमने क्या किया था तब, हमने अपनी डायरीज लिखी और हमने सोया था। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे है लेसन 5, एक्सरसाइज 1, लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड द प्लैनेट्स, देन लिसन एंड रिपीट द नेम्स इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, 8 प्लैनेट्स हैं। अब हमने बताना है कि पहले कौन सा प्लैनेट आता है अर्थ के सबसे ज़्यादा जो करीब है, वो कौन सा प्लैनेट है, दैट्स मर्करी। उसके बाद आता है वीनस सेकेंड पे, थर्ड पे हमारी अर्थ है, थर्ड पे हमारी अर्थ आती है, हमारे एक साइड पे वीनस है और एक साइड पे मार्स है, नंबर 4 पे मार्स आता है, नंबर 5 पे आता है जुपिटर, नंबर 6 पे है सैटर्न, 7 पे है यूरेनस एंड 8 पे है नेपच्यून। सबसे ज़्यादा करीब जो है वो मरकरी है, और सबसे ज़्यादा जो दूर है वो नेपच्यून है। अब जो सन के सबसे ज़्यादा करीब है, सबको पता है कि वो हॉट होगा, क्योंकि वो अर्थ के उसके सन के ज़्यादा करीब है, और जो सन के सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ज़्यादा कोल्ड होगा, नेपच्यून सबसे ज़्यादा कोल्ड है, कोल्डेस्ट है और ये हॉटेस्ट है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्या है, हाउ बिग आर द प्लैनेट्स, लिसन एंड मैच द साइजेस, देन चेक योर आंसर्स। अब ये प्लैनेट्स जो है, कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है, नंबर 1 पे मर्करी कितना है, वीनस ए है, उन्होंने बता दिया कि वीनस जो है ए पे क्या बना हुआ है, ग्रेप के, एक ग्रेप के जितना लगता है। बी पे है पोमेग्रेनेट सीड, पोमेग्रेनेट होता है अनार, उसका जो सीड है एक उसके जितना है, ग्रेप फ्रूट है। डी पे रेसिन, वाटरमेलन है ई पे, और फिर एफ में है पॉम्पकिन। हमने बताना है कि कौन सा प्लैनेट जो है उसका साइज किसके जितना लगता है। वीनस, उन्होंने बता दिया वीनस का ग्रेप के जितना साइज है। मर्करी का साइज कितना है, बी, मर्करी सबसे छोटा है, उसका पॉमीग्रेनेट सीड के जितना का साइज होता है। उसके बाद है वीनस, उन्होंने बता दिया वो ए ग्रेप के जितना है। अर्थ, अर्थ भी तकरीबन ग्रेप के जितना ही है। इसमें आपको अर्थ इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि वो उनके डिस्टेंस होता है, कि कोई कोई प्लैनेट आगे है, कोई कोई प्लैनेट पीछे है, जो पीछे है वो छोटा नज़र आता है, जो आगे होता है वो ज़रा बड़ा नज़र आता है, लेकिन जो उनके साइजेस हैं वीनस और अर्थ के तकरीबन एक जितने हैं, वो ग्रेप के ग्रेप जितना साइज है, एक ग्रेप जितना। मार्स का कितना है,
डी डी पे है रेसिन। रेसिन जो है वो ग्रेप होता है, लेकिन वो ड्राइड ग्रेप होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है ग्रेप से। मार्स जो है वो हमसे थोड़ा सा बड़ा है वीनस और अर्थ से। 5 पे जुपिटर। जुपिटर का क्या साइज है? जुपिटर जो है एफ पम्पकिन, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, लार्जेस्ट जो है वो जुपिटर है, एफ पम्पकिन जितना उसका साइज लगता है। 6 पे सैटर्न। सैटर्न जो है वो ई ई पे है वाटरमेलन, थोड़ा सा छोटा है जुपिटर से सैटर्न जो है। और 7 पे यूरेनस। यूरेनस सी सी पे ग्रेपफ्रूट है, ये ग्रेपफ्रूट जितना है। नेपच्यून, नेपच्यून भी सी है, वो भी ग्रेपफ्रूट जितना है। ये दोनों तकरीबन सेम साइज के हैं। जो लार्जेस्ट है वो है जुपिटर, और जो स्मॉलेस्ट है वो है मर्क्यूरी, पोमेग्रेनेट सीड वाला। नाउ एक्सरसाइज 3। ई कार्ड्स फ्रॉम आउटर स्पेस, रीड द ई कार्ड्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ई कार्ड्स क्या होते हैं? ई कार्ड्स होते हैं डिजिटल वर्जन होता है ग्रीटिंग कार्ड का। एक ग्रीटिंग कार्ड होता है जो हम वैसे एक दूसरे को देते हैं, लेकिन जो डिजिटल वर्जन है वो स्क्रीन के अंदर हमें नजर आता है, किसी स्क्रीन के अंदर वो डिजिटल वर्जन होता है। तो वो ग्रीटिंग कार्ड का ई कार्ड जो होता है वो डिजिटल वर्जन होता है, दैट सेंट वाया द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से हम एक दूसरे को सेंड करते हैं। अब ये कुछ ई कार्ड्स हैं जो भेजे गए हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे, फिर हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देंगे। ग्रैंड माज गॉन टू मर्करी। ग्रैंड मा जो है वो मर्करी गई हैं। शी होप्स टू बी होम इन टाइम फॉर टी, और वो उम्मीद करती हैं कि वो चाय के टाइम पर घर पहुंच जाएं। ग्रैंड डैड्स विजिटिंग वीनस। ग्रैंड डैड वीनस गए हैं। सेज ही इज़ लुक्ड बट ही हैजंट सीन अस। सेज ही इज़ लुक्ड, ही इज़ लुक्ड यहाँ पे किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? ही इज़ की नहीं है, ही हैज़ लुक्ड, उन्होंने देखा है। बट ही हैजंट सीन अस, लेकिन उनको हम नहीं नजर आए, उन्होंने हमें नहीं देखा, वो नहीं देख पाए, वहाँ ऊपर से वो हमें देख रहे हैं अर्थ की तरफ। आई एम डाउन हियर एट होम। वीनस तो हमारे साथ है। आई एम डाउन हियर एट होम ऑन अर्थ, वो खुद बता रहा है कि मैं जो हूँ मैं यहाँ अर्थ पे हूँ। वेविंग टू एवरी वन फॉर ऑल आई एम वर्थ, और यहाँ पे मैं सबको वेव कर रहा हूँ अर्थ पे, जो फॉर ऑल आई एम वर्थ का मतलब है जितना मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ उनको वेव ही कर सकता हूँ। मम्स हैविंग अ मार्वलस टाइम ऑन मार्स। ममा मार्स पे गई हैं। ईच डे, मार्वलस टाइम का मतलब है बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट टाइम वहाँ पे वो गुजार रही हैं। ईच डे शी रीड्स हर फ्यूचर इन द स्टार्स, वहाँ पे वो हर दिन अपना फ्यूचर जो है वो रीड करती हैं, पढ़ती हैं स्टार्स में, अपना फ्यूचर देखती हैं। डैड एंड अंकल जिम हैव जस्ट रीच्ड जुपिटर। डैड और अंकल जिम जो है वो जुपिटर गए हैं। दे से दैट इट्स रियली सुपर आउट देयर, कि वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लग रहा है, रियली सुपर है वहाँ पे। ग्रैंड पास निप्ड आउट टू नोज। अब ये जो निप्ड आउट टू नोज है ना, ये एक फ्रेज है, एक सिनोनिम है, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। वो नेपच्यून पे गए हैं। नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट है, तो ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। निप्ड आउट टू नोज का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। ग्रैंडपाज निप्ड आउट टू नोज राउंड नेपच्यून। ही सेज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग होम सून, कि अब लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है अब वो आगे ये देख रहे हैं, इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से घर आ जाएं, वो घर कब जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको बहुत सर्दी लगी है। एंड नाउ व्हेन ऑल दैट शाउटिंग इज डन, जब सब अपनी अपनी ये बता चुके हैं, शाउटिंग कर चुके हैं, यू विल हियर एवरी वन कॉलिंग हियर सन। अब आप सबको क्या कॉल करते हुए, क्या शाउट करते हुए, क्या कहते हुए सुनेंगे? हियर सन मतलब सन को ग्रीट करते हुए सुनेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कॉपी पे होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर यूनिट 6 इज फिनिश्ड, कंप्लीटेड।